ठीक है, सब आप लोग ठीक हैं? पूरा सब नॉर्मल है? बड़े दिनों से आप लोग मेरे से बातें कर रहे थे कि सर यूपीएससी ने जो पीटी में क्वेश्चंस पूछा इंडियन इकोनॉमी से उसके बारे में डिस्कशन हो जाए, तो काफ़ी समय लग गया क्योंकि क्लास की और प्रायर इंगेजमेंट होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, चलते थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त है। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी पीटी 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, उन क्वेश्चंस का डिटेल में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, देर आए हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में आए हैं ताकि कई सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको आ जाएगी। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि सिर्फ फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी बता दें, है कि नहीं? तो आप जो क्वेश्चंस आए हैं उनके डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि PYQ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगले बार क्वेश्चंस कुछ ना कुछ उस पर बेस्ड होते हैं। और मैंने पहले भी कहा है अराउंड 20% क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें PYQ करना है, मतलब 2024 का पेपर करना है, लेकिन साथ साथ हमें अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी डेवलप करना है। सिर्फ आंसर हमें जानना नहीं है बल्कि उसका आंसर वो क्यों है, क्या रीज़न है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें। चलिए, तो UPSC PT 2024 इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बताए हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 19 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंडियन इकोनॉमी या जो हमने क्लास में बताई है, 19 नहीं बताई है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा कि सारे 19 क्वेश्चन मैं ही नहीं पढ़ाया है। लेकिन हाँ, जो क्लास में जो मैंने टॉपिक डिस्कस करता हूँ उस टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन, दो चार पाँच क्वेश्चन एग्जैक्टली आए भी हैं क्लास में, जो आप लोग जब चर्चा करूंगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को, लेकिन टोटल 19 क्वेश्चंस की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि एक टॉपिक दिया गया है प्रीलिम्स में, डेमोग्राफी, जनसंख्यिकी, उससे क्वेश्चंस आया है। ठीक है, आप लोग अपना नोट करते रहेंगे पेपर पेन पे, चूंकि मेरी लिमिटेशंस है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में हम PDF दिया हो, दोनों लैंग्वेज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं पढ़ूंगा एक ही लैंग्वेज में, लेकिन जो टर्म्स होंगे उसको दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, और जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारा बायलिंगुअल होगा, ध्यान रखेंगे। तो आप लोग पेन पेपर नोट करते रहेंगे, जो लोग ऑनलाइन इसको देखेंगे वो लोग भी नोट करते रहेंगे, ताकि हम रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड भी करेंगे उसको यूट्यूब पर, तो निश्चित तौर पर आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठेंगे तो देखें, और इसको थोड़ा सा अगर काम का चीज़ लगे तो अपने लोगों में इसको भेजें, इसको बताएं कि भाई कैसे कैसे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है और कितना डिटेल में सर ने एक्सप्लेनेशन किया है ना, तो ताकि और लोगों को भी फायदा हो, मेरा फायदा तो होगा ही, और लोगों का भी फायदा हो, इससे थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था कि द टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, कुल प्रजनन दर इन एन इकॉनमी डिफाइंड एज, यानी किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर से क्या मतलब होता है। अब चार ऑप्शन दिए, मुझे तो पता है ऑप्शन कौन सही है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए इसको। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन ईयर, यानी प्रति 1000 लोगों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में, क्या बोला मैंने, 1000 लोगों के द्वारा एक साल में जितने बच्चे जन्म लेते हैं वो लिखा गया। सेकेंड लिखा गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम, दो वर्ड ध्यान रखिएगा, कपल और लाइफ टाइम, इन अ गिवन पॉपुलेशन, किसी भी जनसंख्या में, किसी भी देश में कपल मतलब माता पिता या युग्मों ने जो अपने लाइफ टाइम में, पूरे जीवन में जो बच्चों को जन्म दिया। थर्ड क्या दिया गया है, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है डी, द एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। यहाँ दो टर्म ध्यान देना है, चाइल्ड बियरिंग एज और वुमेन, हमेशा ध्यान रखें TFR कुल प्रजनन दर ये 1000 जनसंख्या पे नहीं लिया जाता है, पहली बात गलत हो गया। दूसरा कहा गया कपल और लाइफ टाइम, यानी युग्मों के द्वारा पूरे जीवन काल में पैदा किए गए बच्चों का संख्या, ये भी नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखें। और जन्म दर मृत्यु दर से कोई मतलब ही नहीं है। TFR होता क्या है, तो TFR का मान मैंने क्लास में लिखवाया भी है, बताया भी है कि वीमेन को लेते हैं, महिला को लेते हैं, और महिला के पूरे लाइफ टाइम को नहीं लेते हैं, उनके चाइल्ड बियरिंग एज को लेते हैं, है ना। यानी TFR जब भी निकालते हैं देखते हैं कि
सोसाइटी में, उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में, टोटल पॉपुलेशन में फीमेल कितनी है, कितनी महिलाएं हैं, और महिलाओं ने अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं, चाइल्ड बियरिंग एज जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में गर्भधारण आयु, उस एज में महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया, वो जनरली एज माना जाता है 15 to 49 ईयर अपने इंडिया में। कई जगह 15 to 45 ईयर भी दिए गए हैं, लेकिन इंडिया में चाइल्ड बियरिंग एज ज़्यादा होता है 15 to 49 ईयर। तो 15 से 49 वर्ष के आयु के बीच जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों ने कितने बच्चों को जन्म दिया, उस बच्चे की संख्या को हम लोग, दर को, रेट को हम लोग, बच्चों की संख्या तो संख्या हो गई लेकिन रेट को हम लोग TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर कहते हैं। अब मान लो कि 5000 फीमेल ने, 5000 औरतों ने अगर 15000 बच्चों को जन्म दिया, डेफिनेटली सिर्फ महिलाएं बच्चा जन्म नहीं देंगी, बच्चे को जन्म देने के लिए पुरुषों की आवश्यकता होगी, माता पिता इंडिया में कहा जाता है, फॉरेन में कपल कहा जाता है, लेकिन इंडिया में चूंकि शादी के बाद ही जनरली परंपरा है तो इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स कहा जाता है, माता पिता कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमी में पेरेंट्स या कपल को नहीं लिया गया है, उसमें सिर्फ महिलाओं को लिया गया। ऑल्दो आज के ज़माने में सरोगेसी मदर्स भी होती हैं, बच्चों का जन्म होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम लोग महिलाओं को लेते हैं, हम माता पिता कपल्स को नहीं लेते हैं। तो 5000 महिलाओं ने अगर 15000 बच्चों को जन्म दिया तो TFR का मान होगा, TFR इज इक्वल टू 15,000 दिख जाएगा आप लोगों को अपॉन 5,000, यानी कि आंसर हो गया 3, यानी कुल प्रजनन दर जो हो गया 3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, TFR इज इक्वल टू जन्म लिए कुल बच्चों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न अपॉन फीमेल जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में, गर्भाधान आयु में बच्चों को जन्म देती है, तो TFR 3 हो गया, यानी इसका आंसर डी हुआ, इसका आंसर डी सही हुआ। ध्यान रखिएगा ABC सही नहीं है, इसलिए इसको कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि किसी महिला के द्वारा प्रजनन आयु वर्ग में जो कि 15 to 49 ईयर है, जितने बच्चों की जन्म देती हैं, जितने बच्चों की जन्म देती हैं, उनकी संख्या जो है वो कहा जाता है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कोई भी फीमेल अपने चाइल्ड बियरिंग एज में जितने बच्चों को जन्म देती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी आ गई, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, वैसे मैंने क्लास में बताया भी, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग सेक्टर से है, ध्यान रखिएगा ये बैंकिंग सेक्टर से है। क्या है क्वेश्चन ये? तो ये क्वेश्चन कहता है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। ये चार ऑप्शन दिए गए। हिंदी क्या कहते हैं इसको? संपार्श्विकित उधार लेन देन संबंधी दायित्व। मैं बार बार कहता हूं, हिंदी मीडियम वाले लोग जो हैं थोड़ा सा इंग्लिश टर्म को भी जाने, कि कई बार हिंदी टर्म जो है वो ज़्यादा टिपिकल होता है, इंग्लिश टर्म कंपेरेटिवली ईजी होता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश टर्म भी आप जानते रहें, क्योंकि एग्जाम में जब आपको हिंदी समझ ना आए तो इधर इंग्लिश वाला पार्ट भी क्वेश्चंस का पढ़ लेंगे, आसानी होगी। मैंने क्लास में CBLO बताया आप लोगों को, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO यहाँ हिंदी में इसको कहते हैं। किसके निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है? अब लिखित इंस्ट्रूमेंट की हिंदी जो है वो लिखित होती है, ये भी तो टिपिकल वर्ड है, तो कई बार चीज़ें सब नहीं आता, तो हिंदी थोड़ा सा साथ साथ इंग्लिश भी करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब CBLO होता क्या है? तो मैं तो क्लास में लिया है, बताया भी आप लोगों को, कई लोगों को पता भी है। CBLO क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म यानी बोरोवर को, लोन लेने वाले को जो पैसे की आवश्यकता होती है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1 ईयर से लेसर की। इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से कम होता है। तो अब इतना ही से क्लियर हो गया कि ये बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट जहां आपके शेयर बाजार होते हैं, जानते हैं स्टॉक बाजार, जहां पे कई कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि ये लेंडर और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है शॉर्ट टर्म का, यानी जब भी बोरोवर को, किसी लोन लेने वाले व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, जो कि बैंकिंग वगैरह सेक्टर में होता है, बैंक को पैसे लेने की आवश्यकता हो, तो बैंक जो है दूसरे बैंक से क्या करता है, लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, और किस पर? कोलेट्रल रख कर, यानी कोई चीज़ मॉर्गेज करके, कोई चीज़ गिरवी रख के लोन लेता है। तो CBLO एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, एक ये मुद्रा बाजार का एक क्या है,
अंग है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कोई बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे बैंक या दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, लेकिन लोन के बदले में उसे कोलेटरल यानी मॉर्गेज यानी गिरवी कुछ रखना होता है। वो पेपर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी असेट्स होगा जो कि रख करके वो लोन ले सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये CBLO एक है जो कि मनी मार्केट में आएगा, मुद्रा बाजार में आएगा, बाकी इन तीनों चारों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये टर्म भी है, आप टर्म को याद कर लग सकते हैं, ये आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन है, RBI का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुन लें इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और तीन स्टेटमेंट गिवेन है और तीनों स्टेटमेंट में से उसका कोड गिवेन है, कौन सा ये बात करेंगे। क्या कह रहा है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज यानी NBFC, ठीक है, बताया गया आप लोगों को, कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, हिंदी में कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इसका मतलब होता है LAF का तरलता समायोजन सुविधा, यहां पे लिखा है चल निधि समायोजन सुविधा, यानी विंडो ऑफ द RBI, यानी क्या भारत में जो NBFC होते हैं वो RBI से LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तरलता समायोजन सुविधा का लाभ ले सकते हैं, यानी उनसे LAF क्या है, LAF मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है जिसके थ्रू कोई बैंक RBI से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। LAF पे पढ़ा है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब उसी के पार्ट होते हैं। तो जब भी किसी बैंक को RBI से शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो LAF का यूज करता है, लेकिन NBFC ये नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ किसके लिए होता है, कमर्शियल बैंक के लिए होता है। कमर्शियल बैंक में कौन से बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए होता है, और कुछ प्राइमरी डीलर्स होते हैं, प्राइमरी डीलर पढ़ाया गया क्लास में आप लोगों को, और जो लोग ऑनलाइन वगैरह देख रहे होंगे वीडियो वगैरह, उनको प्राइमरी डीलर्स पे अलग वीडियो में दे दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए, है ना। लेकिन ध्यान रखिए कि SCB और प्राइमरी डीलर के लिए होता है, ये NBFC के लिए नहीं होता। हाँ, NBFC को कई बार RBI लोन देती है, इन अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस NBFC को कोई क्राइसिस होता है तो RBI लोन देती है, लेकिन बेसिकली NBFC के लिए LAF नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक। अब देखिए, एक बैंकिंग का पार्ट है और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है जो पढ़ाया गया आपको फॉरेन सेक्टर में। कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताया गया आप लोगों को, सरकारी प्रतिभूतियां, यानी क्या विदेशी संस्थागत निवेशक ले सकते हैं, क्या वो जीसेक में निवेश कर सकते हैं, क्या जीसेक परचेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हाँ, यानी एक फैक्ट आपके लिए हो गया कि क्या विदेशी निवेशक जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया के जीसेक, जीसेक क्या होता है, जब गवर्नमेंट को किसी भी फंड की नीड होती है, गवर्नमेंट को लोन लेना होता है, तो गवर्नमेंट जीसेक अपना बेचती है RBI के थ्रू, और गवर्नमेंट फंड रेज करती है, RBI रेज करती है और गवर्नमेंट को दे देती है, यानी इसमें यानी जीसेक परचेज फॉरेन के लोग भी कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विदेशी संस्थागत निवेशक भी कर सकते हैं, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर डेट्स, डेट मतलब डिवेंचर, जिससे हम लोन, एक इक्विटी होता है, डेट होता है। अब इतना बेसिक पता होना चाहिए भाई लोगों को, इक्विटी और डेट, आपको जब मैं फिनेंशियल सिस्टम वगैरह पढ़ाता हूँ, सॉरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे शेयर वगैरह पढ़ाया हूँ, फिनेंशियल सिस्टम में ही पढ़ाया हूँ मैं, शेयर मार्केट, डेट मार्केट, सब जगह पढ़ाया गया। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है, क्या डेट मार्केट के लिए, डेट मतलब लोन लेना, इक्विटी मतलब शेयर, तो क्या इसके लिए अलग से कोई बाजार करता है, तो हाँ है, इंडिया में डेट मार्केट का जो सेबी जो है उसने डेट मार्केट के लिए अलग से, यानी ऋण लेने के, लोन लेने के लिए अलग से बाजार शुरू किया था January 18, 2013 को ये शुरू किया गया था, है ना, जिसके थ्रू आप
डेट जो है मतलब लोन जो है ले सकते हैं, या निवेशक देगा कंपनियों को लोन और जो कॉरपोरेट सेक्टर्स होंगे वो लोन ले सकते हैं। यानी एक शेयर होता है इक्विटी, इक्विटी के थ्रू लोन लेते हैं। उसमें क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है कि जिसने पैसा लगाया, जैसे आपने रिलायंस का, किसी और कंपनी का, टाटा का, इन्फोसिस का जो शेयर परचेज किया, तो एक शेयर परचेज करते हैं जिस पर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और एक डेब्ट होते हैं, डेब्ट में क्या होते हैं कि आप कंपनी को लोन देते हो, उसमें कंपनी के प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा जो कि इंडिया में चलता है और डेट फंड कहते हैं उसे। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम में और फिस्कल पॉलिसी पढ़ाया गया है, और अलग से इसके मैंने कुछ वीडियो दिए भी हैं आप लोगों को जो ऑनलाइन लोग के लिए, और क्लास में तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो डेट और इक्विटी मार्केट अलग अलग है। तो डेट मार्केट इंडिया में है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है, हिंदी वाले भी, चूंकि मैं हिंदी में बोल ही रहा हूँ, अलग से आपको इतना हिंदी पढ़ने की आवश्यकता मुझे लग नहीं रहा है कि हो रही हूँ, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकंड और थर्ड सही हो गया, यानी कि डी जो है इसका ऑप्शन जो है क्या हो गया, सही हो गया, डी इसका सही आंसर है, ठीक है। हाँ, बीच में पूछते रहना, अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो पूछते रहना। अब मैं थोड़ा सा फ्लो में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको राइट है कि आप पूछ सकते हैं कोई भी, अगर आपको डाउट हो रहा है। वैसे इससे ज़्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं, अगर जहाँ डाउट होगा वहाँ क्लास के नोट्स को देख लें, या जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो वीडियो देख लें, या कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं कि सर इस पर अलग से आप मुझे एक्सप्लेनेशन करके वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पढ़ाना फिर तो ये 15-20 घंटे का हो जाएगा, और उतना क्योंकि जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत तो पता होगा ये बेसिक्स वगैरह है कि नहीं। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ये भी जो क्वेश्चन, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें से कौन सा कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है, उसमें ट्रेडिंग कर सकता है ना। और तीन ऑप्शन दिए गए, पहला इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी इनमें से कौन लोग जो हैं वो कॉरपोरेट बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब इंश्योरेंस कंपनी जो होती है क्या वो लगा सकती हैं, तो बिल्कुल, इंश्योरेंस कंपनी LIC है, GIC है, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ये सब लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉरपोरेट बॉन्ड में भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा लगा सकते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला इसका सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, पेंशन फंड, क्या पेंशन फंड लगा सकते हैं, तो पेंशन फंड भी ध्यान रखिएगा, पेंशन फंड जो कई सारे पेंशन फंड हैं जो कि आदमी को इंडिविजुअल को पेंशन देता है रिटायरमेंट के बाद वगैरह, तो पेंशन फंड भी दोनों में पैसा लगा सकते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स, क्या हम लोग, हम, आप, मैं, आप, हम लोग क्या इसमें लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। पहले जिसे डायरेक्टली हम परचेज नहीं कर सकते थे, हमें बैंकों जाना होता था, अब RBI ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक विंडो ओपन कर दिया है, ऑनलाइन आप डायरेक्टली RBI से GSEC परचेज कर सकते हैं, यानी आप GSEC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले था कि अगर हम लोग चाहते हैं अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना, सरकारी प्रतिभूतियां परचेज करना, तो पहले हम लोग नहीं कर सकते थे, पहले हमें बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हम गवर्नमेंट के सिक्योरिटी परचेज कर सकते थे, लेकिन अब जो है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और हम लोग भी कॉरपोरेट बॉन्ड में लगा सकते हैं। तो यानी कि 1, 2, 3 तीनों हो सकता है। पेंशन फंड क्या होते हैं, कई सारे, NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, EPFO है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके थ्रू भी ये लोग भी क्या कर सकते हैं, इन दोनों में पैसा लगा सकते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब। यानी कि 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, चेहरे पे थोड़ा सिकन आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ ओवर हो रहा है, ज़्यादा परेशान मत होइए, ये होइए कि भाई ये जो है कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो ये हम लोग तीनों लोग जो हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे पेंशन फंड हो, और चाहे आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हो, रिटेल मतलब हम, आप, कोई भी, ये लोग दोनों जगह पैसा लगा सकते हैं, दोनों जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हिंदी वाले, बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक, इतना मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ लेकिन इतना समझ में तो आ जाएगा, आप लोग इसका
मैंने पहले ही बोला कि पीडीएफ आप इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ बार बार, और नहीं तो आप इसका मुझसे टेलीग्राम पर कहीं से डिमांड भी कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बहुत लोग बस क्वेश्चंस तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, ये भी बैंकिंग से क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग और मतलब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल सिस्टम इंडिया का जो वित्तीय प्रणाली है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, दूसरा है मोटर व्हीकल्स, तीसरा है करेंसी स्वैप। विच ऑफ द एबव इज आर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, मोटर वाहन, मुद्रा की अदला बदली, इनमें से कौन सा वित्तीय लिखत या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें कौन सा है? तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वित्तीय लिखत या वित्तीय प्रपत्र क्या होता है, क्या होता है ये। तो कोई भी ऐसा पेपर जिसके थ्रू आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं निवेश करते हैं, जैसे मान लो कि आपने शेयर परचेज किया, पैसा दिया, शेयर लिया, वो क्या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? कोई बॉन्ड आपने परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, पैसा दिया, वो भी आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जिससे कब का क्या है वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? तो जहाँ पर भी आप पैसा लगाकर कोई पैसा लगाते हैं उसके बदले में जो प्रूफ आता है वो सब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही कहे जाते हैं, जिसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या कोई डिविडेंड मिलेगा, कुछ भी होता है, ठीक है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है दो टाइप के होते हैं, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं, वित्तीय जो लिखत होते हैं, प्रपत्र होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश इंस्ट्रूमेंट और एक होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न कहते हैं इसको, जो उत्पन्न होते हैं डेरिवेटिव्स, यानी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ तीनों जो हैं, क्या ETF है? तो हाँ ETF है, ये भी एक टाइप का क्या है, एक ETF एक फंड है, जिस पर अलग से मैंने क्लास लिया, आप लोगों को बताया भी हूँ, और पिछले बार भी बजट में इसके बारे में 2023 के बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया गया था, वहाँ भी मैंने बताया भी है, और आप लोगों को इसका ऑनलाइन वीडियो भी अवेलेबल होगा, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं इसको। तो ETF जो है एक फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जहाँ लोग पैसा लगाते हैं, एक्सचेंज जो पैसा एक्सचेंज में लगता है, शेयर मार्केट में लगता है, स्टॉक एक्सचेंज में लगता है। तो ये जो टोटल जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही है, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। करेंस मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल कैसे हो जाएगा? तो मोटर वाहन, गाड़ी घोड़ा कार, ये सब कैसे हो सकते हैं? ये तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएंगे नहीं, तो सेकेंड इसका रॉन्ग हो गया। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप क्या होता है? जब एक करेंसी को हम दूसरे करेंसी में चेंज करते हैं, बदलते हैं, या जब ट्रांजैक्शन दो करेंसियों में होता है उसे हम करेंसी स्वैप कहते हैं, ठीक है। तो करेंसी स्वैप क्या है कि दो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या दो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या दो फिनेंशियल करेंसी, जब कोई दो संस्थाएं मान लो है, ऐसे समझते हैं, दो संस्थाएं हैं और वो आपस में दो करेंसी को चेंज करती हैं, रुपी को डॉलर में, डॉलर को रुपी में, इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ, इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है, इंडिया रसिया के बीच में हुआ था, यानी करेंसी स्वैप। तो जो करेंसी स्वैप होता है यानी एक अदला बदली, करेंसियों की अदला बदली, नोट की अदला बदली, मुद्रा की अदला बदली, वो भी हमारा एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही माना जाता है ना। तो ये तीनों जो हैं, तीनों में फर्स्ट और थर्ड सही है। मोटर व्हीकल कोई फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए इसको काट देंगे, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका 1 और 3, यानी डी जो है आपका आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो दो तीन चीज़ें, करेंसी स्वैप क्या होती है, करेंसी की अदला बदली, जब दो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में करेंसी की अदला बदली करते हैं, डॉलर रुपी, यूरो रुपी, पौंड्स रुपी, रूबल रुपी, कुछ भी ऐसे होते हैं, उसे करेंसी स्वैप कहते हैं, और बाकी तो दो आप समझ ही गए। तो ये दोनों चीज़ें जो आती है फर्स्ट और थर्ड, यानी कि आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल NCERT से आपको दिया गया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ते नहीं NCERT, सोचते हैं कि UPSC तो बड़ा भयानक भयानक क्वेश्चन देगा, ऐसा मत कीजिए। आप NCERT को पढ़िए, UPSC सिर्फ भयानक भयानक क्वेश्चन नहीं देता है, UPSC कई बार सिंपल क्वेश्चन भी देता है, और वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई होते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि विद द रेफरेंस टू
द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक, दो बनाए गए हैं टेबल, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधि और सेक्टर यानी क्षेत्र लिखे गए। अब बताना है कि मैचिंग कौन सा क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से दोनों पेयर जो हैं सही सुमेलित हैं, ये देखना है। तो पहला क्या है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कृषि उत्पाद का भंडारण। ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो आता है प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन उनका स्टोरिंग जो करते हैं, उसका भंडारण जो हम करते हैं, उसके लिए जो वेयर हाउसिंग बनाते हैं, गोडाउन बनवाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनवाते हैं, ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सियरी में नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, गोडाउन का कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन, कोल्ड स्टोरेज का कंस्ट्रक्शन, ये सब कहाँ पे आएंगे, ये सेकेंडरी में आएंगे। यानी पहला इसका जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन तो प्राइमरी में होता है, लेकिन उसका स्टोरेज वगैरह जो है सेकेंडरी में आता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। डेयरी फार्म, ये प्राइमरी सेक्टर का है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वही डेयरी फार्मिंग होता है, जो कि नेचर पर डिपेंड होते हैं। आप जानते हैं तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना, और उद्योग को हम लोग सेकेंडरी को उद्योग भी कहते हैं, द्वितीयक भी कहते हैं, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही है, यानी डेयरी फार्म, ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया। थर्ड जो है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग स्टूडेंट्स के लिए हुआ है और कई लोग इसमें कन्फ्यूज किए हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिज की खोज, ये दिया गया टर्सियरी सेक्टर में। लेकिन ध्यान रखिए, कई लोग इसको मानते हैं टर्सियरी सेक्टर में, लेकिन बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर किया था, माइनिंग, क्वेरिंग वगैरह, मिनरल का खोज करना है, सब जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। बहुत लोग सोच करते हैं खोजना है तो भाई वो सर्विस सेक्टर हो जाएगा, अरे भाई फार्मिंग में, प्राइमरी सेक्टर में हल चलाना है तो सेवा देना है, लेकिन हल चलाना किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा, वो टर्सियरी में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, जो एक्टिविटी आपके नेचर पे डिपेंड होती है, उससे रिलेटेड होती है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो बहुत लोग को सोचे एक्सप्लोरेशन मतलब खोज करना, खोज करने के चलते उसको टर्सियरी में सही मान लिए, वो गलत है, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ये सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड जो है गलत है, क्योंकि ये टर्सियरी में नहीं है, प्राइमरी में। वीविंग क्लॉथ, कपड़े की बुनाई, है ना, ये किस में, द्वितीयक में आएगा, बिल्कुल सही, सेकेंडरी में आएगा। यानी कितने सही हो गए इसमें, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, यानी कि ओनली थ्री, यानी कि सी जो इसका है आंसर जो है तो सही है। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, पता हो कितने बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, तो निश्चित तौर पर कई बेसिस क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें एक आइटम्स दिया गया है, कैटेगरी दिया गया है, और पूछा है कि कौन सा कौन कैपिटल है। अब देखो यहाँ पे जान लो, कैपिटल जो होते हैं यानी पूंजी, इसे कहते हैं कैपिटल, दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, दूसरे को कहते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल, हिंदी में कहते हैं पूंजी, अस्थाई पूंजी, और दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। अब यहां समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो लंबे समय तक आपके साथ रहता है, यानी आपने जो पैसा लगाया वो कहां लगाया। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे आपने कार परचेज किया, तो कार जो हो गया, जो तो पैसा लगाया आपने किसी काम करने के लिए, कार परचेज किया है, तो कार क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। लेकिन कार में जो पेट्रोल भरवाते हैं वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल जल्दी खत्म होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल लंबे समय तक रहते हैं। आपने कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, पूंजी लगाया, तो बिल्डिंग क्या हो गया, उसमें जो पैसा लगा वो हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल, लंबे समय तक रहेगा। और जो
आपने बिल्डिंग को मेंटेन करने में, व्हाइट वॉश करने में, पेंटिंग करने में पैसा लगाया, उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। बोलते रहो भाई, थोड़ा बोलोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। हाँ आता आप, जैसे आपने मोबाइल परचेज किया, वो क्या होगा, फिक्स कैपिटल हो गया, लेकिन आपने जो जो आपने परचेज किया, उसका रिचार्ज किया, उसमें डेटा भरवाया, वो सब क्या हो गया, वो वर्किंग कैपिटल हो गया। उससे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आइटम्स, फार्मर प्लो, किसान का हल, हल क्या है, वर्किंग कैपिटल है, नहीं, हल लंबे से तब रहता है उसके पास, हल बैल ये फिक्स कैपिटल होते हैं। आज हल परचेज किया, वो सालों साल फार्मर के पास रहेगा। ट्रैक्टर परचेज कर लिया, वो सालों साल फार्मर के पास रहेगा, लेकिन ट्रैक्टर में जो डीजल भरवाया वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो हल जो है वो फार्मर का वर्किंग नहीं होता है, ये फिक्स्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला रॉन्ग हो गया। कंप्यूटर, कंप्यूटर हम लोग खरीदते हैं, सब लोग रखते हुए, आप लोग रखे होंगे, बहुत लोग पास दिख रहा है, क्लास में बैठे हुए लेकर कंप्यूटर, टैब लेकर बैठे हुए लोग आप लोग, मैं भी रखा हुआ टैब, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिक्स कैपिटल, ये सही है बिल्कुल। थर्ड क्या हो गया, यार्न यूज्ड बाय द वीवर, है ना, यानी जो बुनकर होते हैं उनके द्वारा जो सूत का प्रयोग किया जाता है, जो बुनकर ने जो मशीन खरीदा बुनाई के लिए वो हो जाएगा फिक्स कैपिटल, लेकिन जो सूत जिससे कपड़ा बना वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये फिक्स कैपिटल नहीं होगा, ये वर्किंग कैपिटल होगा। समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अब आ गया पेट्रोल, ये क्या है, बताया मैंने, कार हो गया फिक्स कैपिटल, लेकिन पेट्रोल हो गया वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये फोर्थ हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों रॉन्ग हैं, और सेकंड और फोर्थ दोनों सही हैं। यानी हाउ मेनी, मैंने पहले पिछले साल भी बताया था, हाउ मेनी वाला कंसेप्ट बड़ा खतरनाक है। कोड वाला ठीक है, कोड में तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, तो आप देखते हैं कि एक सही है, दो सही है, तो ऐसे हो जाता है। हाउ मेनी में क्या होता है, बड़ा टिपिकल होता है, पिछला क्वेश्चन भी हाउ मेनी वाला आया था, तो हाउ मेनी में दिक्कत होती है, लेकिन हाउ मेनी में थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन पता है तभी आप कर पाएंगे। तो बी का आंसर हो गया ओनली टू, सॉरी सेवन्थ का आंसर हो गया ओनली टू, यानी बी सही हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेवन्थ क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो रहा आप लोगों का ना, है ना, ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा रोक देता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग इसके बाद बात करते हैं, ठीक है।